टाइमिंग एकदम करेक्ट है ना मेरा? फिल्मों में दिखाते हैं सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस वाले अक्सर लेट पहुंचते हैं, लेकिन मैं थोड़ा हटके हूँ, मैं पहले ही आ जाता हूँ। देखो, जैसे हमारे देश के फ्लैग की इज्जत होती है, वैसे ही हमारे देश की लड़कियों की होनी चाहिए। फ्लैग की बेइज्जती मेरी बेइज्जती, तो फिर किसी लड़की की बेइज्जती मेरी बेइज्जती हुई ना? छे 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 छे। और ऊपर से ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो। तुम कहते हो तुम मुझे नहीं चाहते, अक्सर डांटते हो, फिर तुमने मेरे लिए फाइट क्यों की और मुझे मेरे घर तक छोड़ने क्यों आए? अगर तुम्हारे दिल में कुछ नहीं तो इसको मैं क्या समझूं? पुलिस, सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड की हिफाजत करो ऐसा कानून के किसी किताब में रूल नहीं लिखा गया। वैसे मेरे सपनों का हीरो इतनी अच्छी फाइट करता है, मुझे नहीं पता था। तुम अभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, थोड़ा वक्त दो, सब कुछ जान जाओगी। ए, अपने मालिक के लिए टिफिन भर। खा इसे, देख क्या रहा है, खा इसे। क्या हुआ, तुझसे एक निवाला भी नहीं खाया गया? रोज सैकड़ों बच्चे यही खाना खाते हैं, आज 100 बच्चे यही खाना खाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। बच्चों को फूड पॉइजन हुआ ये प्रूव हुआ या बच्चों को कुछ हुआ तो फिर सोच लेना। मरते हैं तो मरने दो, प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप में मरते हैं, सुनामी में मरते हैं, ये भी वैसा ही है। जब से तूने ओरिजिनल खाकी पहना है तब से तुझे पता नहीं क्या हुआ कि तू नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। कभी मजदूरों का सपोर्ट, कभी किसानों का सपोर्ट, कभी ड्राइवर्स का सपोर्ट, आखिर तू चाहता क्या? उस सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ हूँ। अपने परिवार को पालने के लिए मैं खुद मजदूरी करता था, किसानों को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैं खुद एक किसान रह चुका हूँ। हमारे देश के किसान अगर एक साल के लिए हल नहीं उठाए तो पूरा देश भूखा रह जाएगा। ड्राइवर्स को सपोर्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था उन्हीं की वजह से चलती है। एक दिन अगर ड्राइवर स्टीयरिंग नहीं पकड़े या काम पर नहीं आए तो तुम जैसों का पूरा हिसाब किताब डब्बा गोल हो जाएगा। मान लिया, तो जो भी कह रहा है वह बिल्कुल सही कह रहा है। अब खाना खा लूं, ठंडा हो गया है। चलो उठ खड़ा हो जा। सुन छोटे, खड़ा हो जा, बोला ना। उस खाने में अगर जहर मिला तो तू गया काम से, तेरा काउंटडाउन अब शुरू हो गया है।
24 घंटे के अंदर तेरे साम्राज्य का एक एक तिनका बिखेर कर तुझे एक एक निवाले के लिए मजबूर नहीं किया, तुझे बीच चौराहे पर खड़ा करके तेरे हाथ में कटोरा नहीं थमाया, तो मेरा नाम गणेश नहीं। पूरे शहर में अगर तुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली ना, तो मेरे घर पे एक वॉचमैन की जगह खाली है, जब चाहे आकर ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। क्या कहा तूने? सोच के देख, मेरा डायलॉग हकीकत का रूप ले लेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग सर। गाड़ी के पोल्यूशन टेस्ट कब हुई? सर 3 दिन पहले करवाया था सर। आजकल सभी जगह पेट्रोल में मिलावट है सर, वो भी घास लेट। एक कैन में 10 लीटर पेट्रोल डालो मियाँ। कैन में नहीं दे सकते, सरकार ने मना किया है। तो ठीक है, गाड़ी में ही डाल दो। कितना लीटर? 10 लीटर मियाँ। हो गया। तो ऑफिसर्स, कहाँ का मेजरमेंट सही और कहाँ का कम आ रहा है? प्रताप काले के पेट्रोल पंप में हमें मिलावट मिली है सर। पूरे शहर को तबाह करने के लिए प्रताप काले का पंप ही बहुत है। प्रताप काले के सारे पेट्रोल पंप को सीज कर दो। गणेश की फोटो के सामने सिंगल लेग पर तपस्या क्यों कर रहे हो? मैं अकेला ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, लेकिन गणेश मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, अब मैं उसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। और हमारे शंकर का क्या? उसे फिलहाल अंदर ही रहने दो, अब गणेश को हमें जड़ से ही हिलाना पड़ेगा। मतलब? गधों को लात से मारा जाता है, अकलमंदों को अकल से मारा जाता है, अब मुझे एकांत की जरूरत है। मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ। हमारा गणेश इस पुलिस यूनिफॉर्म में कितना अच्छा लग रहा है ना। आखिर पोता किसका है? मैं वॉचमैन बन गया हूँ सर, अपना काम मैं बहुत ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। सर, अपने दादा दादी की बॉडी को अपने घर ले जाओगे या डायरेक्ट मैं वहाँ पहुँचा दूँ? वॉचमैन हूँ ना सर, ईमानदारी तो दिखानी ही पड़ेगी।